गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेट है आज की 30 नवंबर 2024 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर ला। यहाँ पर आपको सारे लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी और भी जो पीडीएफ है यूपीएससी से रिलेटेड सारा मटेरियल है वो सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है वो कोल्ड वेव के बारे में क्यों है सुर्खियों में। अभी है 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कोल्ड वेव है वो देखने को मिली है। तो इस आर्टिकल में हम कोल्ड वेव के बारे में देखेंगे, हीट वेव और कोल्ड वेव के बीच में अंतर क्या है उसको देखेंगे और बाद में कोल्ड वेव के कारण क्या है इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आर्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोल्ड वेव और हीट वेव के बीच में अंतर क्या है। हीट वेव यानी गर्म लहर, कोल्ड वेव यानी शीत लहर या ठंडी लहर। परिभाषा की बारे में बात करें तो हीट लेयर की परिभाषा यह है कि कोई एरिया, माना कि ये एरिया है ठीक है, यहाँ का सामान्य तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि कुछ दिनों के लिए ये तापमान बढ़ के हो गया है 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है, कुछ दिनों के लिए ये तापमान बढ़ के 50 डिग्री हो गया है और ये जो है ना कंटिन्यू 10 या 15 दिन 20 दिन ऐसी परिस्थिति बन गई है। तो सामान्य तापमान माना कि 40 डिग्री है, उससे अधिक तापमान है और लंबे समय तक वो परिस्थिति बनी रहती है तो उसे कहा जाता है हीट वेव। यानी कि सामान्य रूप से अपेक्षित तापमान की तुलना में लंबे समय तक असामान्य रूप से उच्च सतही तापमान की अवधि हो और ये कई दिनों तक हो। वही बात कह रहा है, सामान्य तापमान 40 डिग्री है, अचानक बढ़ के 50 डिग्री हुआ और ये कई दिनों तक चल रहा है तो वो कहलाएगी गर्म लहर या शीतलहर। आपने राजस्थान में देखा होगा जुलाई के टाइम में, जून के टाइम में वहाँ 60-60 डिग्री तापमान चला गया था और ये काफी दिनों तक, 1 महीने तक ये स्थिति देखने को मिली थी। तो इसे हमने देखा था कि हीट वेव है राजस्थान में देखने को मिली थी, तो वो था हीट वेव। शीतलहर क्या होती है ये है ना, यहाँ पे लंबे समय के बारे में बात हो रही, तो यहाँ पे बात हो रही 24 घंटों की। 24 आवर में तापमान है ना वो अचानक डिक्रीज हो जाए, 24 घंटों में तापमान है वो अचानक डिक्रीज हो जाए। माना कि इस एरिया का तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस है, अचानक से घट के 10 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है और ये 24 घंटों में परिस्थिति चेंज हुई है। तो अब इसको क्या कहेगा, इसको कहा जाएगा शीतलहर। गर्म लहर के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है, शीतलहर के लिए 24 घंटे की आवश्यकता होती है। तो 24 घंटे में तापमान है अगर वो कम हो जाए तो उसे शीतलहर कहा जाएगा। इस दौरान कृषि है, एग्रीकल्चर, उद्योग, इंडस्ट्रीज, वाणिज्य, सामाजिक गतिविधियां हैं वो सारी गतिविधियां प्रभावित होगी, उन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होगी। तो गर्म लहर की परिभाषा क्या है, सामान्य से तापमान है वो अधिक समय के लिए बढ़ जाए सतह का तापमान और ये लंबे समय तक यही स्थिति बनी रहे तो उसे गर्म लहर कहा जाएगा, हीट वेव कहा जाएगा। शीतलहर क्या है, 24 घंटों की अवधि में तापमान में अचानक गिरावट देखने को मिले जिससे कृषि है, उद्योग, वाणिज्य और सामाजिक गतिविधियां प्रभावित तो हो और उन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता हो, तो ये शीतलहर या कोल्ड वेव कही जाएगी। अब हम बात करेंगे मानदंड की, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कैसी स्थिति होगी तब उसे कहा जाएगा कि ये जो है हीट वेव है ये कोल्ड वेव है। तो सबसे पहले हीट वेव के बारे में बात करें तो इसमें 40 डिग्री तापमान है वो मिनिमम होना चाहिए, किसी भी सतह का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। फिर क्या होगा, ये तो बात करें मैदानी एरिया में 40 डिग्री और पहाड़ी एरिया होता है हिमालय वगैरह वहाँ पर 30 डिग्री। अगर मैदानी एरिया में 40 डिग्री तापमान है, पहाड़ी एरिया में 30 डिग्री तापमान है, अचानक से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो बढ़ गया है और ये परिस्थिति लंबे समय तक बनी हुई है, माना कि कुछ 5 दिन मान लो, 15 दिन मान लो, 1 महीना मान लो, तो ऐसी स्थिति को हीट वेव कहा जाएगा। यानी कि पहाड़ी एरिया में 30 डिग्री और मैदानी एरिया में 40 डिग्री तापमान है सामान्य रूप से, फिर अचानक से 5 डिग्री तापमान बढ़ गया और ये तापमान की स्थिति है लंबे समय तक अगर बनी रहेगी तो इसे कहा जाएगा, ऐसी परिस्थितियों को कहा जाएगा हीट वेव। तो हीट वेव की कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी कि मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, 40 डिग्री चाहिए, कितना टेम्परेचर बढ़ जाए, मिनिमम से कम 5 डिग्री तापमान बढ़ जाए, अधिक से अधिक कितना भी बढ़ सकता है, कम से कम 40 डिग्री होना चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति अगर कुछ दिन बनी रहती है तो वो हीट वेव की कैटेगरी में आएगा। कोल्ड वेव के बारे में बात करें तो कोई एरिया है उसका तापमान है मिनिमम होना चाहिए 10 डिग्री, कोई मैदानी एरिया है वहाँ का मिनिमम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री होना चाहिए, फिर ये कम होके कितना हो जाए 4 डिग्री है, इसमें कमी देखने को मिले 4.5 डिग्री सेल्सियस इसमें कमी देखने को मिल जाए। मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री चाहिए, इसमें कम कितना हो जाए 4.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा, ऐसी स्थिति को शीतलहर कहा जाएगा या ऐसी स्थिति में शीतलहर बनेगी।
तो दोनों का क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया, एक में 40 डिग्री चाहिए, एक में चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस, एक में 5 डिग्री बढ़ना चाहिए, एक में 5 डिग्री कम होना चाहिए, ये चीज़ समझ लो। कब ये होता है? हीट वेव जुलाई के महीने में, और कोल्ड वेव है वो ज़्यादातर नवंबर और अप्रैल के बीच में देखने को मिलती है। तो ये दोनों के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कोल्ड वेव के बारे में स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। अंतर आप इंग्लिश में देख लो एक बार। प्रोलॉन्ग्ड लॉन्ग टाइम के लिए हाई सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ जाए नॉर्मल से तो वो आ जाएगा हीट वेव। कोल्ड वेव में क्या होगा? 24 आवर के पीरियड में कंसिडरली इन्हेंस्ड प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में सुरक्षा की ज़्यादा आवश्यकता होगी तो कोल्ड वेव में आ जाएगा। क्राइटेरिया क्या है? 40 डिग्री जो भी प्लेन एरिया वहाँ पर, हिली एरिया में कितने चाहिए? 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। फिर इसमें 5 डिग्री तापमान अचानक बढ़ जाए तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? हीट वेव की। इसमें 10 डिग्री मिनिमम चाहिए, 4.5 डिग्री तापमान है वो, अगर उसमें गिरावट आ जाती है तो वो आ जाएगा कोल्ड वेव में। कहाँ देखने को मिलता है? मार्च में, और ये नवंबर में देखने को मिलती है। दोनों में डिफरेंस देखने को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं शीत लहर के बारे में। परिभाषा ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 24 घंटों के भीतर तापमान में तेजी से गिरावट आई जिससे कृषि है, उद्योग है, इन सब में परिस्थिति में चेंज हो जाए और इन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता हो तो वो आएगा शीत लहर में। कहाँ पर? मैदानी एरिया में कितना डिग्री तापमान होना चाहिए? 10 डिग्री होना चाहिए। और गिरावट कितनी? 4.5 डिग्री गिरावट होनी चाहिए। और जो ऐसे एरिया होते हैं ना, तटीय एरिया जहाँ पे समंदर पास है, जैसे मुंबई वगैरह है ना, वहाँ पे 10 डिग्री तापमान कभी देखने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो एरिया होता है ना, वहाँ पे सर्दियों में सर्दी इतनी नहीं पड़ती, गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं पड़ती, तो वहाँ 10 डिग्री कभी नहीं आता। अगर 10 डिग्री आ भी जाए ना तो भी वो बड़ी चीज़ मानी जाएगी। ठीक है, उनके लिए तो वो भी हीट वेव कहा जाएगा। तो आप याद रखना, मैदानी एरिया में अगर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो वो किस में आएगा? वो शीतलहर में आएगा। गिरावट कितनी चाहिए? 4.5 डिग्री इसमें गिरावट की आवश्यकता है। भारत में कौन कौन सी एरिया जहाँ पर ये देखने को मिलती है? याद रखना है, याद रखना है, बस आप आइडिया लगा लो। ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया की स्टेट है, ये देख लो, ये लोग लो, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारे नॉर्थ इंडिया के स्टेट है, वहाँ पर ही कोल्ड वेव देखने को मिलती है। अब हम देख लेंगे कोल्ड वेव के कारण क्या है। तो ये कारण है, पहला कारण क्या है? मेघों का आवरण कहाँ है? बादल है ना, वो कम है, क्लाउड कवर कम है। क्लाउड कवर कम होने से क्या होगा? क्लाउड कवर कम है तो जैसे बारिश कम होगी तो ये स्थिति देखने को मिलेगी शीत वेव की। दूसरी, ऊपर ठंडी हवा है ना वो अवतरित होती है, इस प्रकार से ठंडी हवा ऊपर से उतरती है इस रीजन में, इसलिए यहाँ पर कोल्ड वेव देखने को मिलती है। पहला पॉइंट क्लाउड कवर कम है, दूसरा पॉइंट ठंडी हवा का अवतलन है, तीसरा लानिना मतलब बारिश इसके कारण होती है, और चौथा है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न विंड है वो भी भूमिका निभाती है। इंग्लिश में एक बार देख लो, परिभाषा हम देख ही चुके हैं, 24 घंटों में इसमें कमी होती है। प्लेन्स में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, कोस्टल रीजन में इतना भी तापमान कभी देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, क्या क्या कारण रेस्पॉन्सिबल है? एक तो क्लाउड कवर है इस रीजन में, वो नहीं देखने को मिलता है। कोल्ड एयर है वहाँ पे, सब्सिडेंस होती है, लानिना है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इनके कारण ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। कोल्ड लेयर की परिस्थिति है वो स्थापित होती है। ठीक है जी, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या क्या है, कौन कौन से कारण जिम्मेदार है? तो सबसे पहला जो कारण जिम्मेदार है वो है फॉग। फॉग है ना वो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल्ड वेव के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फॉग कैसे? ये है ना ऊपर, ये फॉग है, ठीक है, नीचे धरती है, यहाँ पे सूर्य की किरणें से टकराई टकराई तो वो नीचे एंटर नहीं कर पाएगी, कमी आ पाएगी, ठीक है, तो वो वापस चले जाएगी यहाँ से टकरा के, तो यहाँ पे ठंडी परिस्थिति बन जाएगी। लगातार ऐसे काफ़ी दिनों के लिए सूर्य की किरण धरती पे आने जाएगी, धरती कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, कोल्ड परिस्थितियाँ हो जाएगी। अब ये कोल्ड परिस्थितियों में ठंड लगातार बढ़ती जाएगी तो ये कोल्ड वेव का कारण बन जाएगी। दूसरा कारण क्या है? इसे रातें भी प्रभावित होगी। रातें कैसी प्रभावित होगी? फॉगी नाइट बन जाएगी। फॉगी नाइट मतलब धूमिल रातें। तो दिन में के कारण क्या था? फॉग था। फॉग होने से क्या हुआ? सूर्य की किरणें नहीं आ पाई तो दिन तो ठंडा हो ही गया, दिन ठंडा हुआ तो रात भी ठंडी होगी, और ज़्यादा दिन है तो अगर रातें ठंडी होगी तो ये और भी कोल्ड वेव की परिस्थिति बनती जाएगी। फिर है पछुआ पवन, वेस्टर्ली जो विंड है ना वो भी इसमें भूमिका निभाती है, क्योंकि जो पछुआपन विक्षोभ होता है उसका प्रभाव पड़ता नहीं है, इसलिए ठंडी जो उत्तर पश्चिमी हवा होती है उनका तापमान इसमें योगदान देता है, जिसके कारण ये देखने को प्रस्तुति कोल्ड वेव की देखने को मिलती है। यहाँ से इंग्लिश में देख लो एक बार, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या क्या है। पहला लार्ज स्केल फॉग है, फॉग देखने को मिलता है जिसके कारण सनलाइट है वो नहीं आती है, सनलाइट नहीं आती है तो पूरी जो हीट वेव होती है वो धरती पर नहीं रहती है, तो ये स्थिति देखने को मिलती है। फॉगी नाइट्स होती है,
वही देखा हमने कि ठंडी रातें होती है तो ये फॉगी नाइट देखने को मिलती है। वेस्टर्ली विंड है, ये भी प्रमुख भूमिका निभाती है कोल्ड वेव में, तो कोल्ड वेव के फैक्टर हमने देख लिए। तो ये पूरा आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। क्या था आर्टिकल, हमने सबसे पहले क्या देखा, कोल्ड वेव हीट वेव के बीच में अंतर देखा। कोल्ड वेव में क्या होता है, 24 घंटे में अचानक तापमान में गिरावट होती है। हीट वेव में क्या होता है, अचानक तापमान में वृद्धि होती है और वो लंबे समय तक रहती है, तो हीट वेव। फिर देखा हमने 40 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए हीट वेव के लिए, कोल्ड वेव में 10 डिग्री तापमान चाहिए, 5 डिग्री की इसमें गिरावट चाहिए और हीट वेव में 5 डिग्री तापमान बढ़ना चाहिए। हीट वेव जुलाई में और ये नवंबर में, ठीक है, अंतर देख लिया। फिर कोल्ड वेव के लिए स्पेसिफिक बात करी, इसके लिए कारण क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है, मेघ नहीं है, बादल नहीं है, ठंडी हवा यहाँ पर आती है, लानिनो है, पश्चिमी विक्षोभ है। फिर फैक्टर क्या क्या है, लार्ज स्केल पे फॉग है, फॉगी नाइट है, वेस्टर्ली विंड है, ये हमने कारण भी देख लिए। तो ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ परिस्थिति आप याद रखना, 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान याद रख लेना, 10 डिग्री तापमान इसके कोल्ड वेव के लिए याद रख लेना, गिरावट दोनों में 5-5 डिग्री की याद रखना, 4.5 या आसपास याद रख लेना। या UPSC डायरेक्ट में अगर घुमा के पूछ लिया तो आपको ये डेटा भी वहाँ पे एंट्री करके पूछ ले सकता है। ऐसे ही बना दिया कि कोल्ड वेव के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन कौन से है, तो यहाँ पे ये डेटा एंट्री कर सकता है, तो वहाँ पे इस डेटा को भी माइंड में रखना, इस डेटा का ये असर होता है। ठीक है जी, यहाँ पे ये देख लो 24 घंटा में अंतर है, ये क्वेश्चन भी दे रखा है, तो इसका आंसर देने की कोशिश करना। बाय द वे इसका आंसर है CA, इसका आप आंसर देने की कोशिश जरूर करना। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो LGBTQ से संबंधित है। ये पर यहाँ जो आर्टिकल है ना वो पूरा LGBTQ के बारे में नहीं है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट है जो LGBTQ से संबंधित थी उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी रूलिंग है जो LGBTQ से संबंधित थी, तो ये रही। पहले ये नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार का मामला था 2009 का, नाज फाउंडेशन वर्सेज दिल्ली सरकार। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सुरेश कौशल वर्सेज स्टेट ऑफ मतलब भारतीय संघ, उसका मामला है 2013 का। फिर है नालसा बनाम भारत संघ का 2014 का मामला है। फिर पुट्टास्वामी मामला है 2017 का, ये प्राइवेसी का आर्टिकल है। फिर है नवजोत सिंह बनाम भारत सरकार का, ये 2018 का है। तो इनको याद रखना, नाज फाउंडेशन 2009, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है सुरेश कौशल 2013 की है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 2014 का, फिर पुट्टास्वामी 2017 का, नवजोत सिंह कौर 2018 का। अब इनके अलग अलग देख लेते क्या क्या रूलिंग थी, रूलिंग को आप याद रखना, मेंस में लिखने में रूलिंग काम आ सकती है। सुरेश कौशल का क्या मामला था, 2009 में ना दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अपना निर्णय दिया था। इस निर्णय में दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया था कि जो धारा 377 है ना, सेक्शन 377, ये है, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये क्रिमिनलाइज धारा है और इसको हटा देने की बात करी थी। इसके खिलाफ में ये जो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में इन बातों पर सुनवाई हुई। एक तो क्या दिल्ली सरकार, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया वो सही है, दिल्ली सरकार दिल्ली हाई कोर्ट ने 377 को क्या हटाया है वो सही है या नहीं है, इस पर जांच करनी थी। दूसरा था ये पब्लिक मॉरलिटी और हेल्थ पर था मुद्दा। तीसरा था यहाँ पर जो ट्रेडिशनल वैल्यूज होती उसके बारे में बात हो रही थी। तो इन तीन चीज़ों पर ये केस लड़ा जाना था, मतलब 2013 में जो सुरेश कौशल मामला था वो तीन चीज़ों पे फोकस कर रहा था। कौन कौन सी तीन चीज़ें, पहला तो क्या दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सॉरी हाई कोर्ट ने 2009 में जो अपना निर्णय दिया है वो निर्णय सही है या नहीं है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट था पब्लिक हेल्थ के बारे में था, ठीक है, पब्लिक हेल्थ के बारे में और पब्लिक राइट के बारे में। तीसरा जो पॉइंट था वो पारंपरिक मूल्यों के बारे में था, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के बारे में ये मुद्दा था। तो तीनों पे निर्णय देना था सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्णय बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो निर्णय है ना उसको चेंज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था 377 की धारा है उसे हटा दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इसको नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये अधिकार है वो कोर्ट का नहीं है, ये पार्लियामेंट का अधिकार है। तो इसी इस मामले को, मतलब जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो मामला था, उच्च न्यायालय का जो मामला था, उन्होंने जो निर्णय दिया था उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे चेंज कर दिया गया, पहले पॉइंट पे। दूसरा, इन्होंने 370 की स्वाधीन जो संविधानिकता की वैधता थी उसे बना कर रखा। तो पहला, दिल्ली हाई कोर्ट के जो निर्णय थे उसको पलट दिया। दूसरा, 377 को बरकरार रखा इस मामले में। और चौथा ये था, इसने अल्पसंख्यक का सिद्धांत दिया और संसद की जो विधायी के अधिकार था वो बात करी। इसका निर्णय क्या आया, इसके खिलाफ लोगों का क्या भावना था, जो ह्यूमन राइट ग्रुप थे उनसे बैकलैश मिला, उन्होंने काफ़ी विरोध किया इसका।
इसके बाद में जो एलजीबीटी समुदाय थे वो काफ़ी एक्टिव हो गई, और 2017 में जो ये धारा है ना 377 ये हटी थी, उसका ग्राउंड यहीं से तैयार हो गया था। इसके बाद में ये मामला काफ़ी आगे बढ़ता गया। तो ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। फिर 377 की धारा थी, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामला गया, और ये जो था ना मामला, इसमें DY चंद्रचूड़ जी थे, जस्टिस BR गवई थे, इन सब जस्टिस ने मिलकर ये निर्णय दिया था। ये जजमेंट का नाम क्या था, तो नवजीत सिंह मामला था 2018 का। मामले का नाम याद रखना, जिसमें धारा 377 को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया था, यानी कि 377 है वो डिसक्रिमिनलाइज घोषित कर दिया। इसके बाद में इस आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, क्रिमिनल घोषित नहीं किया जा सकता है। ये था 2018 का मामला, तो इनको याद रखना, ये एग्जाम्पल देने में काम आ सकते हैं, ठीक है जी। फिर यहाँ पे एक आर्टिकल दे रखा है, इसमें बात करी गई है कि कुछ इंडियन है ना वो अभी भी रशिया में मिसिंग है। आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसमें कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि भारतीय है वो रशिया में मिसिंग है, भारतीयों को रशिया में ले जाया जा रहा है और उनसे काम करवाया जा रहा है, आर्मी में भेजा जा रहा है, और उसके खिलाफ शोषण भी देखने को मिल रहा है। तो कुछ भारतीय हैं वो रशिया में मिसिंग है, ऐसी न्यूज़ फिर से देखने को मिली है ये अलग से एक आर्टिकल में, तो ज़्यादा खास आर्टिकल था नहीं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये एक वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट है उससे संबंधित है। इसमें है ना ऐसे भी कुछ पॉइंट फोकस किए गए जिसमें ऐसे में काम आ सकते हैं, ये GH में भी कुछ पॉइंट काम आ सकते हैं। यहाँ पे ग्रामीण लाइफ, ठीक है, विलेज लाइफ वर्सेज अर्बन लाइफ के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो पहला एक पॉइंट कवर हो जाएगा। फिर इसमें कुछ डेटा दे रखा है जो भी आपके काम आ सकते हैं। तो ठीक है, हम बात करते हैं क्या है। अभी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की जो पॉपुलेशन है ना वो 800 मिलियन है, वो लास्ट 3 दशकों में शहरों में रहने लग जाएगी, यानी कि अगले 3 दशकों में 800 मिलियन जो भारत की जनसंख्या है वो कहाँ रहेगी, शहरों में रहेगी। इसके लिए जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो उनके रहने की व्यवस्था भी बढ़ जाएगी, शहरों में जो बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, वो भी बढ़ेगी। इसके लिए जो खर्चा है वो 70 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। जो अभी खर्चा किया जा रहा है उसमें और जितनी जरूरत है उसमें काफ़ी अंतर है। तो ये सारी बात हो रही है इस वजह से ये चर्चा में, तो आपको समझ में आ गया ये डेटा के अकॉर्डिंग बात हो रही है। अब बारे में बात करते हैं सिटी लाइफ वर्सेज विलेज लाइफ के बारे में। तो इकोनॉमी है ना उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कोई भी शहर है उसमें किस प्रकार से इकोनॉमी काम कर सकती है। इकोनॉमी क्या चाहिए, सर्विस चाहिए, फाइनेंस चाहिए, बेसिक स्टोर्स चाहिए, बेसिक सेक्टर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में रोड रेलवे सी पोर्ट है एयरपोर्ट है, पब्लिक ऑर्डर में क्या क्या चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट चाहिए, एमरजेंसी सर्विस है, मिलिट्री है, मॉनिटरिंग है, यूटिलिटीज़ में एनर्जी है, वाटर है, कम्युनिकेशन है, सॉलिड वेस्ट है, सोशल में हेल्थ है, सोशल वेलफेयर है, एजुकेशन है, कल्चर है, इन सब की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से इनको बेहतर किया जा सकता है, स्मार्ट फैक्ट्री होनी चाहिए, स्मार्ट ग्रिड होना चाहिए, स्मार्ट कमेटी होनी चाहिए, स्मार्ट हॉस्पिटल होनी चाहिए, स्मार्ट ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, स्मार्ट हेल्थ केयर सेक्टर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्मार्ट तरीके से होते हैं, ये पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। तो इस पॉइंट को ऐसे माइंड में लेके कहीं पे भी इससे संबंधित कुछ आए लिखने का तो वहाँ पे ये लिख सकते हो, आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ पॉइंट के बारे में बात की गई है कि अभी प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है। अभी जो है हमने देखा कि इतनी संख्या बढ़ जाएगी, भारत की जो शहरों में रहने वाली संख्या बढ़ जाएगी तो उसके लिए इतने पैसों के खर्च करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है, एक तो फंडिंग गैप देखने को मिल रहा है, यानी फंडिंग गैप ये है कि आवश्यकता पड़ेगी 4.6 लाख करोड़ खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी, इतने रुपये खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी। अभी कितना खर्च कर रहे हैं, 1.3 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो ये डेटा याद नहीं रखना है, बट आपको ये याद रखना जितना हम खर्च कर रहे हैं ना उससे कहीं ज़्यादा हमें खर्च करने की आवश्यकता है, बट उतना हम खर्च कर नहीं पा रहे हैं। तो पहली समस्या ये देखने को मिलती है कि जो बुनियादी सेवाओं की आवश्यकता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज जितनी फंडिंग की आवश्यकता है उतनी फंडिंग हम कर नहीं पा रहे हैं। तो ये समस्या देखने को मिलती है। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो फंडिंग गैप का है, ठीक है। दूसरा है नगर पालिका से संबंधित मुद्दे। क्या है नगर पालिका से संबंधित मुद्दे, कि नगर पालिका है ना अपने GDP का केवल 1% है वही कर पा रही है, मतलब इनकी GDP है वो अभी भी 1% पर ही स्थिर है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। बात करें नगर पालिकाओं के राजस्व का, तो पहले इनका जो हिस्सा था 51% था, अब घट के 43% हो गया, यानी कि इनका राजस्व में हिस्सा वो भी कम होता जा रहा है, इनकी GDP बढ़ नहीं रही है, तो वो खर्चा भी नहीं कर पाएगी शहरी क्षेत्रों पर।
तो इनको ये बढ़ाने की आवश्यकता है, कैसे भी करके इनकी ग्रोथ बढ़े, इनकी जो जीडीपी है वो बढ़े, इनका राजस्व में हिस्सा है वो बढ़े। फिर अकुशल संग्रहण, जो भी जो नगर पालिकाएँ होती ना वो अच्छे प्रकार से टैक्स को कलेक्ट नहीं कर पाती, नगर पालिका के पास में भी टैक्स कलेक्ट का अधिकार होता है और अच्छे प्रकार से टैक्स का कलेक्शन नहीं कर पा रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। वे फॉरवर्ड के बारे में बात करें, आगे की राह के बारे में बात करें, क्या सुधार किया जा सकता है, तो सबसे पहला सुधार है जो भी स्टेक होल्डर है, ठीक है, स्टेक होल्डर है, शेयरधारक हैं, उन सभी हितधारकों को पास आना चाहिए, आपस में मिलना चाहिए, सरकार है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है और जो भी नागरिक है, सभी स्तर को शामिल करें और बीच में सहयोग करके सुधार लाया जा सकता है। तो शहरी विकास के लिए कोलैबोरेशन अक्रॉस स्टेक होल्डर, एंगेज ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड सिटीजन इन अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग, तो शहरों की जो प्लानिंग है उसमें सभी स्टेक होल्डर को शामिल किया जाए, ये पहला वे फॉरवर्ड है। दूसरा है फोकस ऑन इनोवेशन, नवाचार पर फोकस किया जाए, इसमें शासन है, संसाधन के उपयोग है, उसमें नई तकनीकियों को अपनाया जाए, इंग्लिश में देख लो फोकस ऑन इनोवेशन, अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, इंप्रूव गवर्नेंस एंड रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन। तीसरा है स्थिरता पर लक्ष्य, स्टेबिलिटी पर फोकस किया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि जो परियोजनाएं हैं वो जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीली हो, समावेशी विकास का समर्थन करे, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करे, इसमें जो भी हमारी प्रोजेक्ट है वो क्लाइमेट चेंज के प्रति रेजिलिएंट हो और सपोर्ट इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। इनहेंस्ड गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो सरकार की एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जाए, ये फोकस किया जा सकता है, सरकार की जो शासन की दक्षता है उसमें वृद्धि की जा सकती है। तो ये पूरा जो आर्टिकल था वो हमने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, हमारी जनसंख्या अब शहरों में जाएगी, शहरीकरण की लाइफ है वो किस प्रकार से इससे प्रभावित हो सकती है, इसके बारे में कुछ पॉइंट थे, तो आप इनको कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, ये जो आर्टिकल है इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे, सबसे पहले CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, कौन रिलीज करता है इसको, ठीक है, टॉप रैंक किसको मिली है, ज़्यादा जो हमारे UPSC में काम के, कौन रिलीज करता है, किसको टॉप रैंक मिली है, फिर क्रिटेरिया क्या है, किस आधार पर ये निकाला जाता है, ये तीन पॉइंट तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर जो पॉइंट आएंगे ना उस पर UPSC क्वेश्चन प्रीलिम में कम चांस से पूछने का, तो इतना हम फोकस करेंगे नहीं, जितने भी इंडेक्स होते हैं, रिपोर्ट होती है, उसमें कौन रिलीज क्या करता है और थोड़ा बहुत ये चीज़ें देख लो, क्योंकि इतना ही पूछा जाएगा, ज़्यादा आपको याद नहीं रहेगा, ऐसी हज़ारों रिपोर्ट रिलीज की जाती है। तो हम बात करें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, सबसे पहले कौन इसे पब्लिश करता है, हु पब्लिश्ड, तो इसे पब्लिश किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा, कौन पब्लिश करता है, जर्मन वॉच। दूसरा न्यू क्लाइमेट, नई न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। तीसरा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, तो कौन पब्लिश करता है इसको, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। कौन प्रकाशित करता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज सूचकांक जो है, इंडेक्स है, उसको कौन रिलीज करता है, तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो भी देश है जो उत्सर्जन कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं और जलवायु के लिए नीतियाँ बना रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़े जो उत्सर्जक है उनको ट्रैक करना, जो भी देश है जो एमिशंस कर रहे हैं उन देशों को ट्रैक करना कि वो किस प्रकार से उत्सर्जन कर रहे हैं, कौन कौन सी रिन्यूएबल ऊर्जा के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए नीतियाँ उसको अपना रहे हैं, जलवायु संबंधित क्या क्या नीतियाँ अपना रहे हैं, उन सब चीज़ों को ये ट्रैक करता है। मूल्यांकन इसमें 63 कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन है, उनका मूल्यांकन किया जाता है, 63 देश प्लस EU का है वो मूल्यांकन किया जाता है। ये जो देश है ना पूरे इसमें शामिल है वो 90% है, वो जिम्मेदार है एमिशन के लिए, 90% जो एमिशन है वो इनके द्वारा ही किया जाता है। क्रिटेरिया मानदंड क्या क्या है, चार चीज़ों पर फोकस किया जाता है, ये 14 संकेतक याद मत रखना, चार जो श्रेणियाँ हैं उसको याद रखना बस। पहला है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा, तीसरा है ऊर्जा का उपयोग, ठीक है, चौथा है जलवायु नीति। इन चार क्राइटेरिया के आधार पर ये रैंक करता है, पहला कौन सा है ग्रीन हाउस गैस, दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा, तीसरा ऊर्जा का उपयोग, चौथा जलवायु नीति। चार पॉइंट याद रखेंगे, इसको याद रखना। कौन पब्लिश करता है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। पर्पज क्या है, ट्रैक प्रोग्रेस वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिटर एमिशंस,
रिन्यूएबल एंड क्लाइमेट पॉलिसी असेसमेंट क्या करता है 63 देशों का और EU का किया जाता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है 90% ग्लोबल एमिशंस के लिए। क्राइटेरिया क्या है, 4 कैटेगरीज है, 14 इंडिकेटर है। 4 कैटेगरी कौन कौन सी है, गैस एमिशंस है, रिन्यूएबल एनर्जी है, एनर्जी यूज है और क्लाइमेट पॉलिसी है। इन 4 कैटेगरी के आधार पर दिया जाता है रैंक। ये देख लो 20 इंडिकेटर याद रहेंगे नहीं तो करना भी मत इनको ट्राई भी, क्योंकि इतना याद रहेगा नहीं। टॉप किसने किया है, 3 देशों को तो रैंक ही नहीं मिली। फर्स्ट रैंक किसी को नहीं मिली, सेकंड किसी को नहीं मिली, थर्ड रैंक किसी को नहीं मिली। तो अगर क्वेश्चन आ जाए जलवायु ठीक है परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें पहली रैंक किस देश को मिली है, आगे एग्जांपल हो डेनमार्क को, जर्मनी को, तो पहली रैंक किसी को नहीं मिली, दूसरी किसी को नहीं मिली, तीसरी किसी को नहीं मिली। तो आप याद रखना जो पहली रैंक स्टार्ट होगी वो 4 से स्टार्ट होगी, तो 1, 2, 3 कोई नहीं है, सीधा जो नंबर आया वो चौथे नंबर पे आया। चौथे नंबर पे कौन आया, डेनमार्क आया। पांचवा पे नीदरलैंड, UK आया 6 नंबर पे। ठीक है जी, ये चीज़ याद रखना। तो ऐसा जो है इसमें पहला किसी को नहीं मिला है, चौथा डेनमार्क है, पांचवा नीदरलैंड है, 6 UK है। ठीक है, ये तो देश है जहां पर इन्होंने जलवायु परिवर्तन में अच्छा काम किया। G20 में केवल 2 ही देश है, भारत और UK इसमें जो टॉप 10 में आई है। ठीक है, UK ने अच्छा काम किया इसलिए UK का नंबर है। चीन का 55वां है, US का 57वां है, ईरान इन देशों को, ईरान को है, सऊदी अरेबिया है, UAE इनको सबसे कम स्थान मिला है। ठीक है, अब इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं किस देश को कितना स्थान मिला, आप देख लेना। चौथा डेनमार्क को मिला है, तो भारत भी टॉप 10 में शामिल है। ठीक है जी, इतनी चीज़ याद रह जाएगी। देख लो टॉप परफॉर्मेंस कौन है, 3 रैंक किसी को नहीं मिली है, वेरी हाई परफॉर्मेंस है, चौथा डेनमार्क है, नेदरलैंड है, UK है, हाई परफॉर्मेंस में ओनली इंडिया और UK दोनों देश शामिल है। मेजर एमिटर्स कौन कौन है, ये है, किन किन को लोएस्ट रैंक मिली है, इन इन देशों को मिली है, तो ये सब हम देख चुके हैं। फिर बात करें भारत का प्रदर्शन, तो भारत ने अच्छा काम किया है, इन्होंने प्रति वर्ष व्यक्ति उत्सर्जन है उसे कम किया है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाई है, कोयले पर ज़्यादा भारत का जो निर्यात है वो भी इसमें एमिशन में ज़्यादा बढ़ावा देता है, इसलिए भारत की रैंक बिगड़ी है। तो ये सब चीज़ें उसने भारत में फोकस की, इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है कि भारत ने क्या अच्छा काम किया, बट आपको मेंस में कहीं लिखना हो ना कि भारत ने क्या काम किया, तो वहाँ पर आप ये लिख सकते हो भारत ने क्या क्या काम किया, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम किया है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कैसे कम किया है, कोयले की निर्भरता वो किस प्रकार से भारत के पक्ष में या विपक्ष में, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हो। भारत का लक्ष्य क्या है 2070 तक शून्य है जो उत्सर्जन है उसको शून्य स्थिति पर लाना, 0 एमिशन पे टारगेट है हमारा, उसे पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है जी, इसको एक बार देख लो, लो पर कैपिटा इनकम है, हाई रैंकिंग है ग्लोबल एमिशन में उसे कम किया है, सेक्टरल प्रोग्रेस हैवी रिजिलेंस ऑन कोल है, तो ये चीज़ आप देख लेना। ठीक है जी, मेंस में ये लिख सकते हो, प्रीलिम में इसका कोई उपयोग नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया है, सूचकांक में पहला स्थान किसी को मिला है, पहला किसी को नहीं मिला, तो कोई नहीं है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा डी, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ICA के बारे में, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस 2024 के बारे में। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस क्यों न्यूज़ में है, तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड IFFCO, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, नाम याद रखना, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसने इनिशिएट किया है होस्ट करने का, किसको, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को होस्ट करने का किसने अलायंस किया है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने, IFFCO ने। कहाँ किया जाएगा, भारत में, दिल्ली में। तो न्यूज़ में इसीलिए है कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी जो लिमिटेड है IFFCO, ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन जो ICA है 2024 उसका भारत में मेज़बानी करेगा, और भारत में इस तरह की पहली पहल है, इसीलिए ये न्यूज़ में। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, UPSC नहीं पूछ, कोई और एग्जाम पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन 2024 इसकी मेज़बानी किसने की थी, तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड IFFCO ने। ठीक है, किसने की थी, IFFCO ने, भारतीय किसान उर्वरक लिमिटेड ने किसकी शुरुआत की थी, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन को होस्ट किया था, कब कहाँ किया था, न्यू दिल्ली में किया था, पहला पॉइंट आपको याद रहेगा। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट है 2025 से है ना शुरू हो रहा, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष की शुरुआत हो रही है 2025 से, 2024 से आपने देखा होगा मिलेट वर्ष था, तो वैसे ही 2025 है वो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष के रूप में इसकी शुरुआत हो रही है। तो 2025 से कौन सा वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष इसको घोषित किया गया, इसकी शुरुआत है। थीम क्या थी इस सम्मेलन की जो विषय था वो था सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती है।
देख लो इंग्लिश में, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफको ने इंडियन सॉरी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस 2024 को अभी होस्ट किया है। ये जो है यूएन का इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कोऑपरेटिव्स 2025 से घोषित किया है, इसका ऑफिशियली इसको लॉन्च कर दिया है। थीम क्या थी? कोऑपरेटिव बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, ये इस बार की थीम थी। तो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं, किसने इसको होस्ट किया था? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। और 2025 में कौन सा वर्ष है? तो कोऑपरेटिव ईयर है। थीम क्या थी? कोऑपरेटिव बिल्ड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, ये थीम थी। तीन पॉइंट याद रहेंगे, इजी याद रखना। कौन किसने होस्ट किया था? इफको द्वारा। कौन सा वर्ष है? 2025 है, सहकारी वर्ष है। थीम क्या थी? सहकारिता सभी के लिए समृद्धि लाती है। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ठीक है जी, शुरुआत कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की? 1895 में। कितने देश है? 107 देश है। 315 सहकारिता संघ इसमें शामिल है। काम क्या करता है? कृषि है, बैंकिंग है, मत्स्य पालन है, स्वास्थ्य है, इन सभी एरिया में बीमा देना और उन सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने का इसका काम है। ठीक है, 1946 में ये इकोसोस, इकोसोस यानी आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक सामाजिक परिषद है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इकोसोस, इसका ये परामर्शदात्री यानी कि इसको एडवाइजरी कमेटी बन गया था, एडवाइजर मेंबर बन गया था, इसको सलाह देने वाली संस्था बन गया था। तो ये जो है ना ICA, ये 1946 में इकोसोस का, इकोसोस क्या है? इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसको एडवाइज करने वाला, परामर्श देने वाला संस्था बन गई थी, जो इस प्रकार का पहला एनजीओ शामिल हो गया था। पहला एनजीओ था जो इकोसोस का परामर्शदात्री बन गया था, इकोसोस को सलाह देने वाला विभाग बन गया था, एनजीओ बन गया था। तो ये पॉइंट याद रखना, स्थापना 1895, यूपीएससी पूछेगी तो ऐसे पूछेगी इसकी स्थापना इसके आसपास हुई थी, 1895 इसके आसपास की कोई डेट दे देगी, फिर एक पॉइंट में कुछ और पूछेगी, एक स्टेटमेंट में कुछ और पूछेगी, फिर आपको बताना होगा। तो ऐसे ठीक है, काम हमने देख लिया, 1946 में इकोसोस का परामर्शदात्री बन गया था, और अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है मूल्य सिद्धांतों की रक्षा करना, ये इसका काम है। इंग्लिश में देख लो, इस्टैब्लिश 1895 में, 315 कोऑपरेटिव्स हैं, 107 देशों से, बिल 101 बिलियन जो इंडिविजुअल हैं उनको रिप्रेजेंट करना काम है। कंसल्टेटिव स्टेटस है इसका, 1946 में ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो इकोसोस है उसका बन गया था, कंसल्टेंट बन गया था, और इस प्रकार का ये पहला एनजीओ था जिसको ये स्टेटस प्राप्त हुआ था। और क्या है कि ये कस्टोडियन है, किसका है? प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव्स का, उसका कस्टोडियन है। तो ये कस्टोडियन के बारे में कुछ पॉइंट आपको याद रहेंगे, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के बारे में। किसने अभी होस्ट किया है? इफको द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में किया गया है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? चीज़ याद रखना। उसके बाद में क्या याद रखता मैं कि कौन कौन इसमें शामिल है, फिर 1946 में क्या हुआ था, किसका ये मेंबर बना था, किसका ये प्रतिनिधित्व बना था, वो सारी याद रखना। परामर्शदात्री कब बना था, वो चीज़ें याद रखना। तो इतनी चीज़ें आप याद रखना। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें सबसे 20 सदस्यों का एक बोर्ड होता है जो इसके डेली के काम देखता है, उसके अलावा एक सर्वोच्च शासी प्राधिकरण होता है जो अन्य इसके काम देखने का कार्य करता है। इसकी अलग अलग जगह पर संगठन है, जैसे कि एक है भारत में है, एक नैरोबी में है केन्या में, फिर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, फिर कोस्ट रिका में भी एक इसकी संस्था है। तो अलग अलग जगह इसकी क्षेत्रीय संगठन भी है, तो इन चीज़ों को भी आप याद रखना। फिर हमने देख लिया अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करता है, ये सारी चीज़ें इसके काम के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, याद रहेगा। अब फंक्शन क्या क्या है, इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछता है। कार्य हमने देख लिया, सहकारी समितियों को निगरानी रखना, तो ये सारे इसके कार्य है। ठीक है जी, याद रह जाएगा। और कौन सा साल है 2025 है? वो कोऑपरेटिव ईयर है। कोऑपरेटिव क्या होते हैं? कोऑपरेटिव एक पर इस प्रकार की इंडस्ट्री होती है, एक इस प्रकार का उद्यम होता है जिसमें सभी लोग आपस में मिलकर इसको शुरू करते हैं। जैसे पीपल ए है, बी है, सी है, गांव के सारे लोग हैं, इन्होंने पैसे लगाए और एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी। अभी है ना कि इन्हीं लोगों का रिप्रेजेंटेशन करेगी, ये जो सारे लोग हैं इनका ये प्रतिनिधित्व करेगी, इन्हीं सदस्यों के द्वारा ये बनाई गई है और इनकी आवश्यकता हो इनके अकॉर्डिंग चलेगी। तो ये सहकारिता होती है, जन केंद्रित यानी पीपल सेंट्रिक एक उद्यम है, इसका स्वामित्व है, नियंत्रण है वो इनके सदस्यों पर ही निर्भर करता है। ये आम आर्थिक है, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग ये काम करती है और ये लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। इनका भविष्य भी है ना इन पे डिपेंड करता है, ये जो लोग होते हैं ना इन पे इनका भविष्य डिपेंड करता है, ये चाहे इस प्रकार से इसका फैसला ले सकते हैं। इसमें जो भी प्रॉफिट होता है ना वो प्रॉफिट या तो इस कंपनी में वापस इन्वेस्ट हो जाएगा या फिर इसके जो भी मेंबर होते हैं उनको ये प्रॉफिट मिल जाता है, इसको कहीं और आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये ज़्यादातर प्रॉफिट है इसमें कंपनी में ही इन्वेस्ट कर दिया जाता है, इस प्रकार से ये कोऑपरेटिव्स काम करती है। तो सहकारिता किस प्रकार से काम करती है आपको समझ में आ गया। पीपल सेंट्रिक एंटरप्राइज होती है, इनके लोगों के द्वारा ऑन की जाती है और शेयर होल्डर का नहीं होता, ये चाहे वो कंट्रोल कर सकते हैं।
रेवेन्यू होते हैं री इन्वेस्टेड होते हैं या मेंबर को वापस कर दिया जाता है, इस प्रकार से ये काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके क्या प्रावधान है सहकारिता के बारे में, तो 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको भाग कौन से भाग 11B में जोड़ा गया था। तो हमारे संविधान के भाग 11B है उसको में 97वें संविधान संशोधन 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे जोड़ा गया था भाग 11B में। उसके साथ ही हमारा एक फंडामेंटल राइट है 19, उसके एक में भी बात की गई है सहकारी समितियों की। तो एक 97वें संविधान संशोधन है उसमें इसके बारे में बात की गई है जो कि भाग 11B में सहकारी समितियों को जोड़ा गया है। उसके बाद में बात करें तो फंडामेंटल राइट है 19(1) जिसमें सहकारी समिति के गठन का अधिकार है, ठीक है, और इनके स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार शामिल है। 41(b) है उस वो DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो सरकारी समितियों का संवर्धन करेगा, उसमें बढ़ावाने का कार्य करेगा, ठीक है। 2023 में एक अधिनियम भी आया था बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन अधिनियम, इसमें भी काम था कि सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाए, उनको मजबूती से किया जाए कि वो मजबूती से साथ में काम कर सके। तो संविधान में क्या क्या प्रावधान है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको अमेंड करके इसको ऐड किया गया था भाग या पार्ट 11 बी को जोड़ा गया था कोऑपरेटिव्स को। राइट्स से हमारा राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग राइट टू फ्रीडम अंडर 91 आर्टिकल के अंतर्गत। आर्टिकल 43(b) क्या कहता है, प्रमोट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज इंटरसेट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 का, इसमें भी स्ट्रेंथन करने के बारे में बात की गई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको इनहेंस करा जाए, उसको स्ट्रेंथन करने के बारे में बात की गई है, ठीक है जी। ये इससे संबंधित क्वेश्चन भी है कि वैश्विक सहकारी सम्मेलन के बारे में कथनों पर विचार करो, कंसीडर द ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस से संबंधित जो स्टेटमेंट है उस पर विचार करो, इसकी मेजबानी किसने की थी, ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था, तो ये तीनों पॉइंट सही है, ठीक है, इसको देख लेना पढ़ लेना, तो तीनों इसका आंसर है, वो तीनों पॉइंट है वो सही है, समझ में आ गया। तो ये इसके बारे में था। फिर जो आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट है नहीं, राजा चोल के बारे में। नेक्स्ट है वो प्लेस एंड यूज से संबंधित है इराक के बारे में, तो ये रहा इराक, ठीक है, मोसुल है, इरबिल है, बगदाद है, इसके नेबर कंट्री कौन कौन सी, ये ईरान है, ये पर्शियन गल्फ है, सऊदी अरबिया है, जॉर्डन है, सीरिया है, टर्की है, ये इसकी नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, ये देख लो कैपिटल कहाँ है, बगदाद में है। तो इनके बारे में कुछ है, मुद्रा कौन सी, ये इंपॉर्टेंट UPSC के लिए नहीं है, कोई और एग्जाम तो देख लेना, दिनार इसकी मुद्रा है। लोकेशन हम देख लिए, इराक है, ईरान, सऊदी अरबिया, सीरिया, टर्की, फिर ये जॉर्डन है, फिर ये सऊदी अरबिया है, फिर ये पर्शियन गल्फ है, इनसे बाउंड्री लगती है। तो ये हमने देखा इराक के बारे में। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, आपको सब समझ में आ गया, इराक के बारे में देखा है, और भी हम आर्टिकल देख चुके हैं, ठीक है, वो सारे आर्टिकल याद कर लेना, सारे पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए, और क्वेश्चन को भी अटेंड जरूर करना, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। कोऑपरेटिव क्या होता है हमने देखा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन इसकी गठन किसने की थी वो भी देखा, किसने इसको होस्ट किया था वो चीज़ें हमने देखी, तो अच्छे से हमने कवर किया है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।